जयपुर में कंस्ट्रक्शन से इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक आज हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक में बोधघाट परियोजना, नदियों को जोड़ने की परियोजना और नए इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किए जाने पर चर्चा की गई है। मंत्री रविन्द्र चौबे के निवास पर हुई CIDC की बैठक में मुख्य सचिव के साथ ही अन्य अधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने प्रदेश में बारदाने की कमी पर बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही बारदाना मिलेगा, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है और केंद्र के समर्थन मूल्य से अधिक की खरीदी पर जो रोक है उसको हटाएंगे। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें पता होना चाहिए कि बारदाने का इस्तेमाल कितनी बार हो सकता है। माननीय चंद्रशेखर साहू और भारतीय जनता पार्टी ने जिस बारदाना को स्पीड पोस्ट से यहाँ भेजने की जानकारी दिया है, अभी मिला नहीं है। जैसे ही मिलेगा, मैं उनकी ओर से और समूचे भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस देश के परम सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बारदाना भेजूंगा और आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जो 2500 रुपया क्विंटल दिया जा रहा है, उसी भाव में धान की खरीदी किया जाए। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने केंद्र